कानोट में संविदा कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। एनएसएम के प्रदेश उपाध्यक्ष उदयपुर जिलाध्यक्ष निवेदिता जोशी सहित कर्मिकों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 लागू किए जा रहे हैं, जिसके तहत संविदा पर कार्यरत कर्मिकों को पुराने अनुभव को शून्य करते हुए इस नियम के तहत पुनः संविदा पर ले रही है। इन नियमों के तहत संविदा कार्मिक पुनः 5 वर्ष की संविदा सेवा पूर्ण करने के पश्चात यदि राज्य सरकार में उन संविदा पद अथवा उसके समकक्ष पद का कोई स्थायी पद संबंधित विभाग में होगा, तब राज्य सरकार द्वारा इन संविदा कार्मिकों को नियमित पदों पर स्क्रीनिंग के माध्यम से नियुक्ति देने का प्रावधान किया गया है। इसके क्रम में चिकित्सा विभाग में एनएचएम अंतर्गत कार्यरत कर्मिकों को 2022 नियमों के अंतर्गत लाया जाए और संविदा पद नाम परिवर्तित कर नए संविदा पदों पर शून्य अनुभवों के साथ संविदा पर ही नियुक्ति दी जा रही है एवं इस संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पास इसके समकक्ष अथवा ये संविदा पद वित्त विभाग द्वारा नियमित पदों की कोई स्वीकृति नहीं है, जिसे सभी एनएचएम संविदा कर्मिक पुनः संविदा पर ही कार्यरत रहेंगे और उनके नियमित पदों पर नियुक्ति देने का कोई स्पष्ट प्रावधान विभाग द्वारा नहीं किया गया है। राज्य सरकार के समकक्ष संविदा कर्मिकों के हित की बात करते हुए उन्हें नियमित पदों पर नियुक्ति दिलानी चाहिए, जिससे उनको किसी प्रकार की हानि व नुकसान न उठाना पड़े।